जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, मैं विवेक कुमार मेमोरी ट्रेनर आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला, आज तक 1 से लेकर 10 तक चाहे आज भी जो भी कंपटीशन या प्रिपरेशन का तैयारी करते हैं क्या पढ़ना है उसमें। अब आप ही लोग बताइए, तो आप कहेंगे कि मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, गलत, ये सब नहीं पढ़ना है। तो दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी बुक पढ़िएगा तो उसमें आपको दो ही चीज भेटेगी, वर्ड्स और डिजिट ही पढ़ना है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हमारी माइंड को, ब्रेन को ये पता नहीं होता है कि आप उसे क्या पढ़ने के लिए दे रहे हैं, उससे केवल एक ही चीज पता है कि इमेज के थ्रू आप क्या उसके याद किए करने के तरह। जैसे हम आप लोगों के बता रहे हैं, एक डेमो दे रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे आप लोग किसी का भी गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर या कोई भी नंबर हो, तो इससे ज़्यादा दुनिया में नंबर नहीं होता है। नोट नंबर, मोबाइल नंबर, कोई भी, जैसे 11 के क्यों पूछे तो 1321, 111331, 12 के क्यों पूछे तो 1728, 1728, यानी इसी से नंबर है। इसका कोई वर्ड ट्रांसफर दे दिया गया है, वर्ड क्या है इसमें, भावेल नहीं है और दो ठो नहीं है, एक और चीज क्या है, वाई एक्स नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो जो इसमें है उसका यूज होगा और जो इसमें नहीं है उसका यूज नहीं होगा। जैसे आप लोग बताएं, जैसे कोई आप लोग अपना नाम बोले, आप लोग अपना नाम बोलिए, खड़े हो जाओ, बताओ अपना नाम बोलिए, कोई भी नाम बोलिए। उमेश। उमेश नहीं बोले, आपने क्या बोला? उमेश। उमेश बोला तो यू इसमें है नहीं, तो ये कट जाएगा। एम है तो एम के लिए क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा, ई कट जाएगा। एस एच का है, एस एच का नंबर पर है, 6 नंबर पर, तो ये 6 हो जाएगा, तो इनका डिजिट में ट्रांसफर कितना हो गया, 36। अब जैसे आप लोग बोलिएगा, इसमें कुछ भी और बोल सकते हैं, कुछ भी उदाहरण दीजिए, एक दो और नाम बोलिए, तो आप लोग देखिए, जैसे आप लोग एक और चीज देखा रहे हैं कि जैसे माउंटेन एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं, तो माउंटेन एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं, तो माउंटेन एवरेस्ट है कहाँ, माउंटेन एवरेस्ट हमारा नेपाल में है, तो इसका कोड का नेपाल, नेपाल में है ना, तो नेपाल, तो एन के लिए क्या लिखे हैं, 2, ई नहीं है इसमें तो ई मेरा कट जाएगा, पी के लिए क्या है, पी के लिए 9 है, एल के लिए क्या है इसमें, हाई है, तो 29 तारीख 5वां महीना, यानी माउंटेन एवरेस्ट दिवस कब मना दिया जाता है, तो 29 तारीख 5वां महीना में मनाया जाता है, ये है कहाँ, तो नेपाल में, ये सभी कोई जानते हैं। अब एक और बताते हैं, जैसे सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो सुरक्षा हम लोगों को सुरक्षा या हमारे देश के सुरक्षा कौन लोग करते हैं, तो आर्मी लोग करते हैं, ARMY, आर्मी हो गया। अब आर्मी हो गया तो ये के लिए कोई है नहीं है, तो इसके लिए ये कट जाएगा।
आर के लिए क्या है, आर के लिए आपको क्या है देखिए, आर के लिए छह है, एम के लिए क्या है तो थ्री है, थ्री तो क्या हो गया चार तारीख तीसरा महीना, तार्मिक डे को मनाते हैं चार तारीख तीसरा महीना। अब आप लोग का एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 11 का क्यूब कितना होता है हमको ना पता है, तो 11 को प्लेयर कहां होते हैं तो टीम में होते हैं, तो टीम में कहां होते हैं टीम में, तो टी का कोड क्या दिया है वन है, ये कट जाएगा, ए नहीं है ए कट जाएगा, एम के लिए क्या है थ्री है, फिर एम के लिए क्या है थ्री होगा। अगर 11 में एक का अगर क्यूब करते हैं तो कितना होता है एक, तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331। अब आते हैं आपको दिखा, अब आप लोगों के एक और उदाहरण देते हैं कि 12 का क्यूब कितना होता है, देखिए 12 का क्यूब कितना होता है, तो हम कहेंगे कि 12 मेरा क्या है एक दर्जन है, तो एक दर्जन कोई भी सामान खरीदने जाइएगा तो कहाँ जाइएगा, तो जाहिर सी बात है कि दुकान पर जाइएगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा दुकान, तो डी के लिए कोड क्या है वन है, के लिए कोड क्या है सात है, यू कट जाएगा, ए के लिए क्या कोड है ए नहीं है इसलिए कट जाएगा, एन के लिए क्या है कोड टू है, अगर दू का क्यूब करते हैं तो कितना आ गया आठ, तो 1728 राइट आंसर हो गया। इसी तरह दोस्तों इसके सहारे से कोई भी युद्ध दिन दिवस कोई भी कैपिटल जो भी चीज है क्यू सारा चीज इसके सहारे से याद किया जा सकता है, क्योंकि इससे दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, नोट नंबर टेलीफोन नंबर किसी का नाम किसी का शब्द इससे ज्यादा नहीं होता है। अब इसको याद कैसे करना है हम आपको बताते हैं। अब मैं हम दोस्तों अब इसको हम याद करा देते हैं किस तरह इसको याद करते हैं, देखिए क्षण भर में तुरंत आपको याद हो गया। जैसे वन के लिए क्या दिया है टी और डी, तो एक अंगुली उठाएंगे तो क्या बन गया हमारा टी, एक बन गया टी और इसको मूव करते हैं तो ये बन जाता है डी, तो वन के लिए क्या हो गया टी, ये टी बन गया और डी बन गया। टू को अगर टू को 90 डिग्री में मूव करिएगा तो एन के शेप में आ जाएगा कि नहीं, टू अगर ऐसे लिखते हैं तो अगर ऐसे लिखते हैं तो एन के शेप में आता है कि नहीं टू का। अगर थ्री को मूव कर दिए 90 डिग्री में खड़ा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा एम बच जाएगा, एम बन जाएगा। और हिंदी में हम लोग चार को या पहले हम लोग चार को इस तरह लिखते थे तो क्या बन गया आर, चार के लिए क्या कोड बन गया आर, कैसे लिखते थे इस तरह लिखते थे बन गया। अब पांच याद करना है, क्या याद करना है पांच, तो पांच को अंगुली निकालते हैं, ये मेरा अंगुली देख रहे हैं, इसको अगर कर अगर सेप में खींच देते हैं तो क्या बन गया एल, क्या बन गया दोस्तों इसको कर एल बन गया। पांच के लिए क्या हो जाएगा एल। अब छ के लिए जी या जे याद करना है सी एच एस, छ के एक सीधा छे लिखते हैं, एक क्या करते हैं सीधा छे लिखते हैं ठीक, एक उल्टा छे लिखते हैं ठीक। अगर इसको इस तरह मूव करते हैं तो जी बन जाता है, इसको इस तरह मूव करते हैं तो जे बन जाता है, और सी एच एस एच एक कॉम्बिनेशन है इसलिए इसको एक कॉम्बिनेशन में ही रखेंगे। अब सेवन के लिए याद करते हैं, सेवन के लिए कैसे याद करेंगे दोस्तों, ये देखिए एक सीधा सेवन लिखते हैं एक उल्टा सेवन लिखते हैं तो क्या बन गया दोस्तों के, इसको डिलीट कर दो तो ये क्या बन गया के, आ के माने वही होता है क, आ सी माने होता है भी क। अब एट के लिए देखते हैं, एट को रोमन में कैसे लिखते हैं, एट को रोमन में कैसे लिखते हैं तो रोमन में इस तरह लिखा जाता है ठीक। अब ये आप देखिए इसको अगर हम हटा देते हैं और यहां पर जोड़ देते हैं तो क्या बन गया एट के लिए
VIF बन गया कि नहीं, एट के लिए क्या बन गया VIF, चलिए ठीक है। अब इसको नाइन के लिए देखते हैं, नाइन के लिए नाइन लिख देते हैं। अगर यहां पर मिरर रखते हैं, यहां पर कोई दर्पण या मिरर रखते हैं तो ये पी का शेप में आ जाएगा कि नहीं। अगर यही मिरर को यहां रख देते हैं तो ये क्या होगा, बी का शेप में आ जाएगा कि नहीं। आप देखिए जीरो के लिए जेड आई एस कैसे याद करता है, जीरो का जेड रिमेनिंग शुरू होता है इसीलिए इसको जेड करेंगे। आज पहले के लोग जीरो को शून्य शून्य कहते हैं और उसका वर्ड मीनिंग एस से शुरू होता है इसीलिए इसको एस करते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप किसी भी चीज को याद कर सकते हैं, इससे दुनिया में कोई भी चीज नहीं बना है और न ही इससे ज्यादा पढ़ना है। हम के सहारे पर मैथ रीजनिंग कंपटीशन का कोई भी चीज या वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी चीज इसको हम तोड़कर इसी के सहारे पर हर एक चीज याद कर सकते हैं।